नहीं आ मतलब गया बुलाओ जन का हिसाब बुलाओ जो सब गया थार का ना जो अच्छा यूं अच्छा यूं कहो जन आ जाओ गया बिल्कुल सही तो पूरे दिन जो पानी पाने टाइम हुए उन टाइम रे यूं कहो जन गया आ जाओ हां बेपार बे ये तीन बजे बोला लारे आवे हाजी अच्छा तुर तुर करते ही लारे आ जाओ लारे आवे और अगर चारो अन देणो हुए तो हां चारो अन देणो हुए काई कहो सारा मेरा वो सारा नोकना बाता मा ए अच्छा आ आवाज लगाओ सब गाय दौड़ ना जाओ दौड़ ना जाओ बिल्कुल सही आपरे तो हमेशा वो काम उगो रूटीन रे महीने इन गाय बुलावण हां उस काम में ता चारो आप कटो मंगाओ बारो ज्यादा सारो आटो जोधपुर साइड केकड़ी आया करे ज्यादा सारो अच्छा केकड़ी आवे केकड़ी है बारो यूपी साइड डोकर कुतर ज्यादा रखो मैं बिल्कुल सही तो आप यूं बताओ ना आप गौशाला में और सब व्यवस्था ठीक है आटे कहीं कमी है जबकि आप पूर्ति हो जाए तो ठीक है कमी एक तो मेन तो लाइट की कमी है सर सर लाइट आउड़ी कौन लाइट आउड़ी कौन है और तो ठीक है आप कितनी पड़ गया गौशाला बाड़मेरू बाड़मेरू 20 किलोमीटर पड़े है और 112 नंबर हाईवे हूँ 1.5 किलोमीटर पड़े 112 नंबर हाईवे हूँ 1.5 किलोमीटर तो मैं समझे हमारे यहाँ लाइट नहीं है बिल्कुल लाइट का कोई प्रोग्राम नहीं अच्छा लाइट बिल्कुल नहीं बहुत मच्छर ज्यादा है ये देवासी रात को खड़ी रात बजते पूरी रात मतलब पूरी गौशाला तो लाइट नहीं आउन कारण कहीं लाइट है ही नहीं हमने बोला कई बार तो है ही नहीं एमपी साहब की हो फंड दे हो मगर अभी तक एमपी साहब रो फंड आयो को नहीं कह के मारा उड़ो है उड़ो होती मगर हाल होयो को नहीं आटो कितनी आ गई है लाइट आप 1.5 किलोमीटर सा अच्छा 1.5 किलोमीटर आ गई और ये गौशाला रे महीने लाइट की व्यवस्था कोई नहीं बाकी आप सब बाकी सब व्यवस्था लाइट की व्यवस्था नहीं लाइट की व्यवस्था नहीं व्यवस्था नहीं आभार आप देख रहे हो गणेशाई नंदी गौशाला बांद्रा गांव बाड़मेर रे 20 किलोमीटर पहली जोधपुर रोड माथे है और इस गौशाला की बहुत सुंदर व्यवस्था है लेकिन इस गौशाला में आज भी लाइट नहीं है तो सर जो भी वीडियो आप देख रहे हो तो आप सब निवेदन है कि ये वीडियो शेयर करो और लोग जगह नेता है बांध तक भी पूछे कि इतो धन खर्च हुए सरकार रो और इतो पयो खर्च हुए लेकिन गौशाला री सेवा करनिया है बाहरी अगर लाइट की व्यवस्था नहीं हुई जन आप कहीं हुई तो आप जरूर और वीडियो आगे आगे शेयर भी करो लोग देखी और आओ सुंदर व्यवस्था बतावा आपने नंदी गौशाला बाड़मेर जिले महीने बांद्रा गाँव है बाड़मेर हूँ 20 किलोमीटर पाचा अड़ने जोधपुर दगिन आवा जना बांद्रा गाँव आवे और अटी एक इतनी सुंदर गौशाला बनियोड़ी है तो मैं आज अट गौशाला रे दर्शन करने आयो तो अटे व्यवस्था देखी गौशाला री बहुत बढ़िया व्यवस्था है दी गौशाला की जमीन भेंट कीण करी और ये गौशाला में बार कहीं व्यवस्था है कितनी गायें है और बहुत ही सुंदर है कई गौशाला है जटे व्यवस्था आप देखा ज़्यादा ठीक हो नहीं रहे लेकिन अटे नागने चाहिए नंदी गौशाला बांद्रा गांव है और बहुत ही सुंदर अटारी व्यवस्था है तो आओ बात करा और इनमें मेन मेन की गायें आप रे अटे इनमें है मेन तो हमारे यहाँ ज़्यादातर नंदी है अच्छा नंदी टोगड़िया टोगड़िया बल ज़्यादा है और गायों कम है गायों भी है तो वह कई और एक बूढ़ी है कोई असल गेवड़ा है दूध देने वाली ज्यादा गाय है नहीं दूध देने वाली ज्यादा गाय ठीक है थोड़ा घना दूध है तो वह के राई कर हजे तो दूध 5-7 किलो बिल्कुल से 8 जगह सेवा दे बार बार हजे तो दूध बिल्कुल बेचो है तो अटे कहीं नहीं देखो दूध है तो अटे गौशाला में जाए बिल्कुल बात सही आप रे कहीं भाव आया के भाई गौशाला वास्ते जमीन हेंगो पहली किण आपने प्रेरित कर लिया गेटो गया था पंथवेड़ा पंथवेड़ा पंथमेड़ा अटे जो आया था नंदगांव नंदगांव बिल्कुल सही अटे देख ना आया गाय सेवा भाव हो भाई देखिए भाई अपने अटे कोई गाय हो तो बढ़िया सेवा हो और तो अपना भी भलो हो वास्ते पे शुरू करा जी बहुत मेरी पूरी बाप जी बीजा उन टाइम बैठा था और मौत की उन टाइम अच्छा उन टाइम सब संतन सब महाराज सब आया था बिल्कुल सही कुल मिलान आप जमीन दियार बाद में गौशाला अट स्थापना करी अटू काम शुरू कर दी बिल्कुल मैन अटे के कार्यकर्ता है जगह हमेशा गौशाला में सेवा देव आवे यू कार्यकर्ता तो हमारे करीब करीब हैंग जरूर है दोन दाता दीजा हैंग बिल्कुल सही अटारा अध्यक्ष कौन है आप गौशाला एक डेव किया है कवासरा भोंदरा गाँव लागे और रेखा राम जी है अच्छा रेखा राम जी एट गौशाला अध्यक्ष बहुत बढ़िया तो रेखा राम जी यूँ बताओ नी इतनी सुंदर व्यवस्था है तो इनमें आपने कितनी मेहनत काम पड़े आप कितनी टाइम दो अट गौशाला नहीं टाइम तो मैं भी देव हूँ लारला कार्यकर्ता भी देवे है इनमें लोग हैंगो मोटी तो
भामासा। अच्छा भामासा है। भामासा पैसो देवे जने सले, भामासा भी देवे थोड़ा बहुत, गवर्नमेंट री भी सहयोग मिले। गवर्नमेंट री सहयोग हां, गाय रो मन तो ये रुकी ध्यान को पड़े, गाय री गाय। हां गाय गाय जाने सही, बिल्कुल सही। तो आप यूं बताओ नी गौशाला कई देखा जटे, मतलब इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं हुए और लोग गौशाला रे नाम माते कई प्रोग्राम चलावे, तो आप रे अटे गायां रो जको घास वगैरह आउनोन काई साधन है, कीकर मंगाया करो? गाड़ी आया करे बारो सारो आवे, और गाड़ी सारे भी आया करे। अच्छा सारे तो गोदाम खाली करा दो, गोदाम खाली करो, गाड़ी में सरा दिया करो। बिल्कुल। और दूसरो दोन दा तो वैसे हरो सारो भी आ जावे, महीने में 5-10 बार हरो सारो भी आवे। तो एक यूँ बात बताओ, जितनी भी गौशाला में बनियोड़ी है, बाहर कमेटियाँ बनियोड़ी है और संगठन बनियोड़ा है, और मैं कई गौशाला जाऊँ काम पड़े तो उठ जको संगठन बनियोड़ा है, तो भाई जका संगठन महीने सदस्य जुड़ियोड़ा है बे पूरा, मतलब सेवा महीन आवे कौन, तो आप रेट का ही व्यवस्था सब मारे सब आवे, मारे सब जुड़िया कार्यकर्ता जुड़ी रहा तो दूजो नहीं लेना, दूजो नहीं लेना, लोग आगे आगे जुड़ता ही रहे। बिल्कुल सही। और जटे लोग जो गौशाला नाम मात्र सदस्य बन जाए और गौशाला ध्यान ही नहीं दे, तो मार बारे में आप कहना है? मैं तो मतलब मारे तो करीब करीब आड़ा आदमी है, देखो ध्यान नहीं दे भी सदस्य नहीं रखो मैं। अच्छा ध्यान नहीं दे भी सदस्य चेंज नहीं रखो, बिल्कुल चेंज कर दो, और जो सही भाव भाव सेवा करे वे टिकाऊ में। बिल्कुल सही। बाड़मेर कितनी पड़े आ गौशाला? बाड़मेर 20 किलोमीटर है। बाड़मेर 20 किलोमीटर है, और 700 गायें हैं बाहर? 700 गायें। बिल्कुल बहुत सही। मारे अटे निरसित गोवंश है टोटल, अटे नंदी है 350, गाय जीती है नहीं जो दूधारू गाय एक कोने। अच्छा दूधारू गाय नहीं है? दूधारू गाय नहीं है, नस्ल वाली नहीं है, सेवा भाव वास्ते सब सेवा भाव, मतलब जकी गौशाला में गालोड़ी है बाहरी सेवा करो नहीं है, एक पैसे के मतलब कोई भी भाई इनकम हो जाए बा कहीं नहीं है। अच्छा इनकम रो कोई कोई इसमें जुगाड़ नहीं है, भामासा और तरफ हो और गवर्नमेंट रो सहयोग मिले देऊ को सलाह चलाऊं मैं। आटम कितना परिवार आप रे देवासी समाज रहा क्योड़ा है जका? तीन परिवार, 6 जना, 3 जोड़ा है, 3 जोड़ा, 3 औरतें 3 आदमी, मतलब चटे भी गौशाला देखा उठ सब देवासी समाज रे लोग गौशाला में सेवा दे, सेवा तो ही कर सके सर, दूसरे तो कर ही नहीं सके, करियोड़ो तो कोई सेवा कर सके नहीं, एकदम अपने घरवा से सफाई जड़ जड़ सफाई गौशाला रहे। बिल्कुल सही। आप इकट्ठे गया हो एड सफाई कटे? हाँ नहीं बहुत बढ़िया सफाई है, और एक भी पोटो भी जो खंडूड़ो नहीं, बिल्कुल साफ सफाई बहुत बढ़िया। और आज देखो बात हुए जका ताजा राम जी गोदारा और बांद्रा गांव है, और अट आप जमीन भेंट करो गौशाला शुरुआत करवाई, और आज गौशाला महीने 700 गायें हैं, जगह में टोगड़िया है और गायें भी है बूढ़ी गायें, तो जकी गायें कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर ही बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, चेक करना, इलाज करा। बिल्कुल सही। और जगह कोई गौशाला में नहीं, कोई गायें अगर बीमार है या एड़ी गौशाला में आवे तो भी नहीं गौशाला में लेव? मतलब बीमार तो जाते मारे कम चले, बीमार कम लेव, क्योंकि ज्यादा तो क्या है बूढ़ी बिजी हुए नी, हाँ क्यों अंधी है वेड़ी ले लो तो बीमार तो घटे हॉस्पिटल अपने है, डॉक्टर बुलाना पड़े पैया दिन। हाँ सही, मतलब हॉस्पिटल है कोनी आंधी है, क्यों कोई हासिल कीड़ा है, क्यों नंदी है फरतो फरतो वर्दी वो है एंड एंड टाइप रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया, आप देखो नंदी गौशाला और आओ आप आटे दर्शन करवा। और मैं समझे हमारे यहाँ लाइट नहीं है, बिल्कुल लाइट का कोई प्रोग्राम नहीं। अच्छा लाइट बिल्कुल नहीं, बहुत मच्छर ज़्यादा है, ये देवासी रात को खड़ी रात बदलते हैं पूरी रात, मतलब पूरी गौशाला तो लाइट नहीं आउन कारण कहीं लाइट है ही नहीं, हमने बोला कई बार तो है ही नहीं। एमपी साहब की हो फंड दे हो, मगर अभी तक एमपी साहब रो फंड आयो कोने, कह के मारा उड़ो है उड़ो जी, मगर आल होयो कोने। अटू कितनी आ गई है लाइट आप? 1.5 किलोमीटर का। अच्छा 1.5 किलोमीटर आ गई, और ये गौशाला रे महीने लाइट की व्यवस्था कोई नहीं, बाकी आप रे सब बाकी सब लाइट की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं। आप बात हुई है जना इतनी सुंदर व्यवस्था और बाद में भी आटे लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो आप जगह भी बंधु वीडियो देख रहा हो जरूर शेयर करो इन्हें, जो को आप जगह अटारा बाड़मेरा एमपी है बाने भी जानकारी हुए कि हाची में ही जकी आ बांद्रा गौशाला है इस महीने। आप देखो बिना लाइट आजकल कौन रहे, कोई कौन रहे, और बिना लाइट रह जाए भी कौन, बहुत दौरा रहे बिना लाइट, बहुत मच्छर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मच्छर, बहुत ज़्यादा मच्छर, हालत खराब हो रही। बिल्कुल सही। और आभार आप देख रहे हो नागणे चाई नंदी गौशाला बांद्रा गांव बाड़मेर रहे 20 किलोमीटर पहली जोधपुर रोड मात है, और इस गौशाला की बहुत सुंदर व्यवस्था है, लेकिन इस गौशाला में आज भी लाइट नहीं है, तो
सर जो भी वीडियो आप देख रहे हो तो आप सब निवेदन है कि ये वीडियो शेयर करो और लोग जगह नेता है बांध तक भी पूछे कि इतो धन खर्च हुए सरकार रो और इतो पयो खर्च हुए लेकिन गौशाला री सेवा करनी है बाहरी अगर लाइट री व्यवस्था नहीं हुई जन आप कहीं हुई तो आप जरूर और वीडियो आगे आगे शेयर भी करो लोग देखी और आओ सुंदर व्यवस्था बतावा आपने नंदी गौशाला। अच्छा ये सब नंदी, ये सब नंदी। अच्छा और ईर मैं अलग अलग कंपार्ट बने आप सब छोटा है जगह है इन साइड में। अच्छा बड़ा नंदी इन साइड लारे पीछे बड़ा नंदी इस साइड में है नी बहुत ही सुंदर देखो सब अलग अलग कंपार्ट बने अलग अलग पौधा लगे आप सब जैसे पौधे। अच्छा 1400 पौधा लगे बिल्कुल ये तैयार है दो एक दो साल में इसे हो जाएगी दो साल के अंदर से हो जाएगी। अच्छा दो साल बाद में आटा आप बिल्कुल बैठा जड़ी हो जाए। यह नंदी है पेलुरी साइड में गायें अलग है छोटा नंदी अलग है छोटा टोकड़िया छोटा अलग है दुहाड़ी गाय अलग राखा दुबड़िया कोई है अलग राखा। अच्छा हुआड़ी गाय अलग राखो। हाँ बिल्कुल सही तो जगह गायों ने टोकड़िया अलग अलग राखना पड़े अलग अलग राखना पड़े बोटा छोटा बोटा मारे तो छोटो मारे फोन में पटके तो उन्होंने ध्यान रहा कोई नहीं पता को पूरा संभालना पड़े पूरा संभालना पड़े सही कुल मिलान खूब सेवा करो और तीन परिवार की व्यवस्था संभालो है। हाँ जी ज्यादा चारो आप कटो मंगाओ बारो ज्यादा सारो आटो जोधपुर साइड केकड़ी आया करे ज्यादा सारो। अच्छा केकड़ी आवे केकड़ी है बारो यूपी साइड डोकर कुतर ज्यादा रखो मैं बिल्कुल सही। तो आप यूं बताओ ना आप गौशाला में और सब व्यवस्था ठीक है आटे कहीं कमी है जबकि आप पूर्ति हो जाए तो ठीक है। कमी एक तो मेन तो लाइट की कमी है सर। सर लाइट आउड़ी कौन लाइट आउड़ी कौन है और तो ठीक है कितनी पड़ गया गौशाला बाड़मेरू बाड़मेरू 20 किलोमीटर पड़े है और 112 नंबर हाईवे हूँ 1.5 किलोमीटर पड़े 112 नंबर हाईवे 1.5 किलोमीटर तो लाइट नहीं आऊँ नो कारण का है लाइट लाइट देखो के सस्ता में लाइट सरकार यूं ही तो दे कोने कोई एमपी एमएलए रे फंड आया करे एमपी एमएलए फंड आवे एमपी साहब देखो मारे कला जी हूँ बात की उड़ी है कला जी 4 लाख रो फंड रिलीज भी कर दियो पण ये कोरोना काल हो। अच्छा लाइट रे वास्ते एमपी साहब 4 लाख रो फंड भी रिलीज कर दियो मगर कोरोना काल रे कारण रुक गयो कोरोना काल रुक गयो कुल मिलान मतलब केला जी रे आश्वासन दियोड़ो है कि भाई आप लाइट में मंगवा आश्वासन दियोड़ो है पहले लारे बीजेपी सरकार में आ रोड डंबर कोनी मैं प्रियंका जी चौधरी हूं कयो अगुत करायो जने प्रियंका जी आ रोड जुड़ा दी। हां सही है अब कुल मिला रोड तो आवे लेकिन लाइट भाई पानी व्यवस्था बढ़िया है गौशाला। हां पानी व्यवस्था नाडी है लारे नाडी हूं लेओ सीधो पानी कनेक्शन पानी रोई नहीं है हाल नाडी हूं पावा गायन नाडी है बहुत बड़ी नहीं नाडी कम पड़ जी जने टैंकर डलवाओ। अच्छा टैंकर डलवो बहुत बढ़िया आप इन्हीं सेवा करता रहो और बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी आप रट गौशाला गौ माता की कृपा है। बहुत शानदार दर्शन किए आपने नागणेचाई नंदी गौशाला बांद्रा के अंदर ये जो गौशाला है बहुत ही सुंदर बनी हुई है और कभी कभी आप भी जरूर गौशाला के दर्शन किया करें और अपने कमाई का कुछ हिस्सा गोदान में जरूर दें। कैसा लगा आपको ये वीडियो योगी पुखराज चैनल के ऊपर तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करें। इसी तरह मैं घूम के तरह में खूब सारे दर्शन आपको करवाता रहूँगा। तो बहुत ही सुंदर दर्शन किया आपने नागणेचाई नंदी गौशाला जो बाड़मेर बांद्रा गांव में बनी हुई है। इसी तरह आइए खूब दर्शन करवाएंगे योगी चैनल के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।